30 अप्रैल 2022 को होने वाला सूर्य ग्रहण बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, तंत्र शास्त्री और ऑरा रीडर। 30 तारीख को सूर्य ग्रहण है और हम सब ग्रहण का नाम सुनते ही डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब आम जनता है। हम सूर्य को रिप्रेजेंट नहीं करते। मैं ही नहीं कहूंगी कि सूर्य ग्रहण से हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी देश के शासक को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी संस्था के मालिक को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य पे तो ग्रहण लग रहा है, लेकिन आम जनता के लिए बहुत सारी नई चीजें लेकर के आ रहा है। ये जो टाइम है, अब आम लोगों का टाइम आने वाला है। बहुत बड़ा परिवर्तन इस ग्रहण के बाद होने वाला है, महापरिवर्तन, महाबदलाव और एक क्रांति। ये ऐसा ग्रहण है जिसको हम नेगेटिव भी देखें, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें इसमें, क्योंकि पॉजिटिव चीजें हैं आम लोगों के लिए और हम लोग हैं आम लोग। तो हम इस ग्रहण से नहीं घबराएं और इसको पॉजिटिवली ले। जो भी ग्रहण की चीजें होती हैं उनको हम सबको पालन करें, माने, वही हमारे लिए जरूरी है। मैं इसमें आपको कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बता रही, इतने बजे से इतने बजे तक लगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए और ये पॉजिटिविटी ही लेकर के आने वाला। बहुत सारी ऐसी जानकारी के साथ मैं आपके लिए आती रहूंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट लिखिए। क्या आप नोटिस करते हैं जब भी कोई ग्रहण आता है उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में? ऐसे मुझसे जुड़े रहिए। मैं रमा जोशी, नमस्कार।